देख रहे हैं फेमस मीडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी टुटेजा। बीते वर्ष 2018 में कई बॉलीवुड स्टार्स पर मीटू अभियान का साया मंडराता रहा। इस कड़ी में सबसे पहले अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। फिर एक के बाद एक मामला सामने आता रहा जिसमें सेलिब्रिटीज पर नाम आते रहे मीटू यौन शोषण को लेकर। और कई बार तो ऐसे अभिनेताओं के नाम सामने आए जिन लोगों की उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे में मीटू के तहत सामने आए बॉलीवुड स्टार्स के काम पर काफी असर भी देखने को मिला है। नाना पाटेकर को फिल्म हाउसफुल 4 से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब खबर है कि नाना एक बार फिर फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। खबर है कि नाना पाटेकर फिल्म वेलकम 3 में नजर आने वाले हैं। उनके साथ जॉन अब्राहम और परेश रावल को फिल्म के लिए साइन किया जा चुका है। वेलकम और वेलकम ब्रेक से नाना की एक्टिंग को खूब तारीफ मिली थी। बता दें कि मीटू में नाना का नाम आने के बाद से कोई भी उनके साथ फिल्म डायरेक्ट या फिर उनको फिल्म में काम देने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ तक कि उनके साथ कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। खबर है कि वेलकम 3 में काम का उद्घाटन हो चुका है। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नारियावाला है और फिल्म की कमान अमजद खान के हाथों सौंपी गई है और स्टार कास्ट भी तय हो चुके हैं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाना पाटेकर को लेकर कुछ भी बोलने पर कन्नी काट रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नाना पाटेकर वेलकम 3 में नजर आएंगे या फिर मीटू अभियान यानी जो उनके ऊपर यौन शोषण का नाम लगा था उसके तहत अभी भी नाना पाटेकर बॉलीवुड से अपना पीछा छुड़ा लिया है। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या नाना पाटेकर इस चीज से बचकर फिर से बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री ले पाएंगे या नहीं। पर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PMS मीडिया।